अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज आपका भाई एक नए दिन और एक नए ट्रैवल ब्लॉग में। सुबह के इस वक्त तकरीबन कोई 7:15 7:30 हो रहे हैं और गाड़ी में सामान लोड करना शुरू कर दिया। बॉक्सेस हैं, शूज़ हैं इसके अंदर, और हम लोग जा रहे हैं आज इंशाल्लाह माउंट बुलर। बस सामान गाड़ी में लोड करने लगा हूँ और बच्चे रेडी हो रहे हैं, बस हम लोग बैठेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन आज का जो प्लान है वो ये है कि फर्स्ट टाइम बेसिकली मैं माउंट बुलर जा रहा हूँ, आज तक कभी गया नहीं और काफ़ी देखा है वीडियोस में, फोटोज़ में, तो सोचा कि आज खुद एक्सप्लोर करें। और आज का जो ट्रिप है हमारा तकरीबन को 500 किलोमीटर्स का हमारा इन एंड आउट है, मतलब जाना आना 250 250 किलोमीटर। मेलबर्न से तकरीबन को 3.5 घंटे की रफली ड्राइव है, तो मेरे घर से तकरीबन 3 घंटे वन वे। तो इंशाल्लाह हम लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं और आप लोगों को अपने साथ लेके जाते हैं, दिखाते हैं ज़रा कैसा है माउंट बुलर, एक्सप्लोर करते हैं और पूरा जो ट्रिप है और ट्रैवलिंग है सब कुछ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिर जरा स्टार्ट रेडी होते हैं और फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो है हम लोग सुबह तकरीबन 8:15 बजे घर से निकले हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारे घर से तकरीबन मेलबर्न सीबीडी से अगर आप लगाएं 3.5 घंटे, हमारे घर तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पर है। तो हम लोग सुबह सके 8:15 बजे निकल गए थे, इस वक्त तकरीबन 10 बज रहे हैं और 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव अभी और रहती है। बारिश हो रही है हल्की हल्की से बूंदाबांदी, तो होपफुली इंशाल्लाह आज जो है हम लोगों को बर्फ़ भी मिलेगी वहाँ पे। बर्फ़ तो खैर है वहाँ पे, बर्फ़बारी मिलेगी इंशाल्लाह, और सारे गर्म कपड़े हमने रखे हुए हैं, फुल बिल्कुल इंशाल्लाह इक्विप्ड होके जा रहे हैं और वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ पे क्या आगे प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप सब आपको बताएंगे, और फिर इंशाल्लाह आप लोग अपने सफ़र में अपने साथ रखेंगे। तो अभी देख सकते हैं कि बाहर जो है वो सामने जो है बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, होपफुली वहाँ पे हमें इंशाल्लाह बर्फ मिल जाए। देख सकते हैं हम लोग जो है तकरीबन 1 घंटा रह गया, 82 किलोमीटर्स, और सफ़र चल रहा है, बारिश मुस्तकिल हो रही है, विच इज़ अ गुड साइन कि इंशाल्लाह हमें वहाँ जाके थोड़ी स्नो फॉल मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है। अभी बस 1 घंटा 10 मिनट की ड्राइव रहती है और मौसम बाहर बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है इस वक्त। टेम्परेचर जो है आउटसाइड इस वक्त 10 डिग्री दिखा रहा है, इस वक्त 10 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है आउटसाइड का, और वहाँ जाएंगे तो होपफुली थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा इंशाल्लाह। रुके हैं इधर, चेन रेंट पे ले लेते हैं। अभी मैं बंदे से बात की स्टाफ से, उसने कहा कि यहाँ पे आपको चेन लेनी पड़ेगी, लीगली यू हैव टू कैरी द चेन, अगर आप चेन लेके नहीं आएंगे तो फिर आप ऊपर नहीं जा सकते ड्राइव कर सकते। तो यहाँ से $50 ने कहा है कि चेन आपका रेंट पे मिल जाएगी गाड़ी के लिए। उसने कहा आगे और भी हैं कुछ जो आपको चीपर मिल जाएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप ले लें $10-20 के चक्कर में। ये पूरा का पूरा स्टोर है, यहाँ पे आपको उसकी टायर चेन्स सब कुछ आपको रेंट आउट पे मिल जाएगा, इवन जूते वगैरह भी और कपड़े भी है। जूते तो हम लेकर आए अपने साथ, तो हमें जूतों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें जो है जैसे कार चेन हो गई वो हम यहाँ से ले लेंगे रेंट के ऊपर। तो भाई वापस बाहर भेज दिया है, उन्होंने कहा है कि आप हमें टायर का नंबर चाहिए ताकि उसी हिसाब से साइज़ से हम जो है टायर की चेन आपको देंगे। वॉकिंग बूट्स देखें आप, कैन यू शो मी हाउ टू इंस्टॉल दिस वन? ऑलराइट कूल। भाई पहला जो डैमेज है सुबह से वो है $50 का, $50 का पहला डैमेज हो गया है। अभी ऊपर देखते हैं और कितने डैमेज होंगे, लेकिन चलें कोई नहीं, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। दिखाएंगे ये कैसे इंस्टॉल होता है। हाँ ओके, तो ये चेन
Okay. And you put a chair behind the wheel. Because your car is front wheel drive, so you just put two chairs in your front wheel. Okay. तो फ्रंट व्हील है इसलिए दो चेन लगेंगे इंस्टेड ऑफ चार के. सॉरी ओके Okay. After that, you pull the chain. फिर पीछे कर देंगे. ओके. Just put on the back. Middle तक. Middle car के middle तक कर देंगे. Okay. Oh, red knuckle. Press. Open it. Yep. And pull this one inside. Okay. उसको खींचेंगे. ओके. इलास्टिक स्प्रिंग. ऑलराइटी. एंड आफ्टर यू पुट ऑन द चेन यू नीड टू मूव योर कार लाइक अ लिटिल बिट एंड टाइटन हियर अगेन बिकॉज़ नाउ इट्स स्टक. ओके. सो इट्स आई हैव टू बी लूज हियर राइट नाउ. चले सही हो गया. थैंक यू. खोलेंगे इसको और इस बॉक्स में डाल देंगे. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अब ले लिया हम लोगों ने जो टायर चेंज, तो वो इतफाक़ की बात है, नज़र पड़ गई, मतलब मैं निकल जाना था. लेकिन ये कि अब यहाँ हम लोग जहाँ पे, क्योंकि मसला है कि वो बंदे ने कहा कि लीगली यू हैव टू कैरी दिस वन, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आगे आपको करवाना पड़ेगा. तो अब फिर मुझे इस बात का डर था कि मुझे वापस ना आना पड़े, तो मैंने कहा ले लेते हैं. उस बंदे ने कहा कि आगे और भी चीप मिल सकता है, लेकिन अब एग्जैक्टली नहीं पता कितना कहाँ मिलेगा. तो बेहतर है कि रिस्क मत ले, बंदा $10-15 के लिए और ले ले. तो चले निकलते हैं आगे. अब सफ़र रह गया हमारा तकरीबन 47 किलोमीटर का, तो वो इंशाल्लाह आगे का सफ़र करते हैं, जल्दी से पहुँचते हैं. अब थोड़ा लेट हो गया, 11:30 था ETA, अब 12 का दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट लग गए हम लोगों को. लेकिन चले कोई नहीं, चलते हैं आगे. मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये माउंटेन आई थिंक यही बाउंड गुजर है, बर्फ़ नज़र आ रही है यहाँ से. ओह बस हम आ रहे हैं भाई, हम आ रहे हैं. ज़बरदस्त प्यारे शीप्स हैं. ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त. बस आधा घंटा रह गया है, गाय दिल थी सारी गाय. Morning. Not too bad, not too bad. You're aware of the conditions up there today? No. What's that? We're super windy. Okay. So that we've only got one lift operating. Uh-huh. Are you $64 ka dusra damage. Thank you. वो बता रहे हैं काफी windy है, एक lift चल रही है. Do you have to pay extra for? Might need to put them on the way out. Okay. In which case there would be a sign and there'll be someone there to tell you to okay. No worries. Yep. This all goes right. On the windscreen here. Yep. And enjoy your day. Thank you so much. Take care. तो भाई सूरत हाल कुछ यूँ है कि मैं आपको बताता चलूँ. इन्होंने कहा है कि ऊपर सुपर विंडी है, तो मेक श्योर कि आप लोग बच्चे स्पेशली अगर हैं तो प्रॉपर आप लोग कवर्ड अप हो. अभी 14 किलोमीटर मुझे ऊपर जाके कार पार्क पे गाड़ी पार्क करनी है, और 14 किलोमीटर के बाद फिर वहाँ पे फ्री बस सर्विस होगी जो कि ऊपर विलेज पे लेके जाएगी, जो कि आपका जहाँ पे सीनिक व्यूज़ आपको इन्जॉय करने हैं. इसके अलावा जो है बर्फ़ वहाँ पे थिक स्नो मौजूद है इस टाइम पे, जो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह. तो मैंने पूछा कि मैंने $50 खर्च किए भाई चेन्स के. उन्होंने कहा कि ऊपर जहाँ पे हम जा रहे हैं 14 किलोमीटर, अगर वहाँ पे अगर स्नो अगर हुआ कि रोड स्लिपरी, अगर आपको पहनने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ स्टाफ आपको रोकेगा, फिर वो आपको बताएगा. तो आपने उतर के वहाँ पे चेन लगानी है गाड़ी की, और वापसी पे भी अगर आपको है तो वापसी आपको लगानी पड़ेगी जब तक ये रोड आपका जो है क्लियर रोड नहीं आ जाता. तो बस अभी निकलते हैं, 14 किलोमीटर हम जाएंगे और नीचे ऊपर जाएंगे और जाके जो है ना गाड़ी पार्क करते हुए दिखाते हैं ऊपर आपको भी. ये व्यू देखो,
ओए भाई जबरदस्त लग रहा है। नीचे का चेक करें यार, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सामने पहाड़ देखें, फुली कवर्ड विद स्नो। यार मुझे मैंने बताई कि दिल कह रहा है कि हल्की फुल्की बर्फबारी मिल जाएगी इंशाल्लाह मैं आज, क्योंकि बारिश तो हल्की हल्की हो रही है तो छोटे छोटे ओले ऐसे पड़ जाएं। चले भाई हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली कार पार्क के अंदर, जैसा कि देख सकते हैं। अब भाई से पूछते हैं कहाँ बोलता है पार्क करने को, इधर बोल रहा भैया लेफ्ट पे। थैंक यू माइक, लेट्स गो। ये जो सामने बस आई ना, आई थिंक इस बस में हम लोग को शायद ऊपर लेके जाएंगे वो लोग। यार भाई पहुंच गए हैं, अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गए हम लोग पहुंच गए। देख सकते हैं फुल धुंध हो रही है, नज़र कुछ नहीं आ रहा। हम जल्दी जल्दी से ज़रा गेयर अप होते हैं और कपड़े वपड़े पहनते हैं। टेम्परेचर उस पर तकरीबन कुछ 2 या 3 दिखा रहा है। वैसे तो मैंने 2-3 लेयर्स पहनी हुई हैं, अभी इतनी फील नहीं हुई कि अभी हीटर से बाहर निकलूँ, लेकिन अभी ज़रा अपने आप को गर्म करते हैं, कपड़े वपड़े पहनते हैं। भाई हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह फुली गेयर्ड अप हो चुके हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म की ठंड हो रही है और जो है ना हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। मैं तकरीबन को 4 से 5 लेयर चढ़ा ली हैं, बूट भी पहन लिए हैं, शूज़ वगैरह, बच्चों को भी रेडी कर दिया है और बस अभी बस की तरफ जाएंगे, बस में बैठते हैं और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। आपको भी ज़रा दिखाते हैं आगे क्या है कार पार्क। आप देख सकते इस वक्त फुल धुंध है क्योंकि नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी लो है। चलें चलते हैं। भाई हम लोग पहुँच गए, देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं। खैर हम लोग इधर आ गए हैं बस स्टॉप पे और यहाँ पे एवरी 5 to 6 मिनट्स में बस आएगी, तो यहाँ पर हम वेट करेंगे। बस आएगी तो फिर हम ऊपर विलेज की तरफ जाएंगे। बस आ गई, हम जाएंगे बस में। लोग उतर रहे हैं, लोग स्की करके आ रहे हैं। भाई चलो लेट्स गो। भाई फुल स्की लेके आ रहे हैं, स्की करेंगे ऊपर जाके। अपने अपने शौक की बात है भाई, अपने अपने शौक की बात है। चलो भाई बस चलना शुरू हो गई, आई थिंक 5-10 मिनट्स की राइड है। फाइनली हम पहुंच गए हैं माउंट बुलर। विजिबिलिटी काफ़ी लो है और बर्फ़ बहुत है, काफ़ी थिक स्नो है हर जगह। भाई अंदर चलते हैं, अंदर जाके जो है ना टोबो कैन लेते हैं, वहाँ पे इंजॉय करेंगे। अंदर तो फुल हीटर चल रहा है, वो है और टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करने हो, कॉफ़ी लेना हो तो आप वो यहाँ पे सब ले सकते हैं। हम लोग जो है चल के टोबो कैन लेंगे रेंट पे, या इंशाल्लाह किसी दिन ये करेंगे, स्केटबोर्ड करेंगे, स्की करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे वैसे क्लासेस भी होती हैं, अगर आपको क्लासेस लेनी हो तो यहाँ पे क्लासेस भी देते हैं, क्या आप आराम से यहाँ पे सीख सकते हैं। वो देखे बंदा जो है ना फिट कर रहा है बोर्ड के ऊपर शूज को। तो भाई हम पहुंच गए हैं, ओए होए 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 माशाल्लाह भाई, बर्फ़ ही बर्फ़ हर जगह, बहुत बर्फ़ है भाई इधर। होए 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 होए, विजिबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है और नज़र ही नहीं आ रहा कुछ भी। और
भाई बहुत ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है और स्लिपरी हो रहा है बर्फ़ की वजह से, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फुल कवर्ड अप है, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, सामने माउंट बुलर नज़र ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। चलें आगे चलते हैं। ये भाई मशहूर ज़माना माउंट बुलर। हम लोग बेसिकली ऊपर आए हैं सीढ़ियों से, ये देख सकते हैं बर्क स्ट्रीट एक्सप्रेस, ये लिफ्ट चले। यहाँ पे जितने भी लोग जो स्कीइंग करने जा रहे हैं ये वो सब लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो वहाँ से दूसरी तरफ जाएंगे। हमारा जाना तो बेकार है, हमें करना नहीं है, हम लोग जा रहे हैं टोबोगन करने। सो वी आर गोइंग फॉर टोबोगन, लेट्स गो। दोबारा से नीचे की तरफ चलते हैं। आ गए हम भाई टोबोगन, वेयर एडवेंचर बिगिंस, लेट्स गो। चलो 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 यहाँ से चलते हैं, यहाँ यहाँ से आ जाओ बच्चों, यहाँ से चलते हैं और फिर टोबोगन के मज़े लेते हैं। टोबोगन बोले तो रेक्टेंगुलर जो आपका स्केटबोर्ड है उसमें बैठ जाओ और लगाम पकड़ लो और नीचे फुल स्पीड में नीचे VIP। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये Have you guys been here before? Nah, first time. Just remember, keeping our legs outside the toboggan. Use your heels to stop and slow down. Okay. And then once you've stopped at the bottom, just need a hop. मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। ओए 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 ओए, चलो भाई बिस्मिल्लाह, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। ओए 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 भाई, हालत बहुत बुरी हो गई है टोबोगन्स करने के बाद, कुछ 5-6 चक्कर लगाए, सांस बहुत, विजिबिलिटी इससे अभी भी बहुत लो है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, पैंट कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं, लेकिन भैया जी पैर जो है ना पाँव इस वक्त आपको फील ही नहीं हो रहा है कि है कि नहीं है, बारिश तेज़ हो गई है और होपफुली अभी मुझे तो फील आ रहा है कि शायद बर्फ़बारी भी होगी होगी थोड़ी देर में, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बहुत ठंड हो रही है। अभी जो प्लान है वो ये है कि अंदर जाते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, थोड़ा सा सांस सेटल करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं और क्या है आगे, फिर उसके बाद खाना वाना खाते हैं और फिर घर की तरफ निकलते हैं। तकरीबन हम लोग को आके यहाँ पे तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा गुजर चुका है और पता ही चला है। हम लोग आ गए हैं भाई अंदर कैफ़े के अंदर, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं अपने आप को, काफ़ी लोग आए हुए हैं बैठे हुए, ऊपर ही बैठा के नीचे ही बैठा के सब बैठे हैं, खाना पी रहे हैं, हम भी थोड़ा सा सीधा सुस्ताते हैं। खाना जो हमने घर से लेकर आए थे वो गाड़ी में वहीं जाके गर्म करेंगे और फिर खाएंगे और फिर घर की तरफ निकलेंगे। सो फार बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। चलो भाई अब हम दोबारा से बाहर निकलने जा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं बाहर स्नोमैन बनाने के लिए। बच्चों ने कहा है स्नोमैन बनाना, स्नोमैन तो स्नोमैन के बिना नहीं जा सकते, हम दोबारा से बाहर जा रहे हैं। ऑलराइटी, हम दोबारा से बाहर चलते हैं, वहाँ बनाते हैं चल के, उधर बनाते हैं। इधर बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे कुछ कर भी रहे हैं, हम भी जाके वहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों ने कहा स्नोमैन बनाना, स्नोमैन, अब अगर स्नोमैन के बिना चले गए तो पूरे सफ़र में रास्ते तमाम रोना गाना सुनना पड़ेगा। स्नोमैन का तो चलो स्नोमैन बनाते हैं, ऐसे तो वो आइस बहुत गंदी हो रही है, लेकिन करते हैं कुछ, देखा हूँ कैसे हेल्प करूँ उनको।
खुरपी लाना भूल गया, तो इनकी इस तरीके से मदद कर देते हैं। बहुत सर्दी है बबुआ, बहुत सर्दी है। माशाल्लाह भाई वर्किंग प्रोसेस अच्छा चल रहा है, पेट भी अच्छा बड़ा बन गया है, चौधरी जैसा पेट बनाया है और अब सर बन रहा है। भाई हमारा स्नोमैन बन गया फाइनली माशाल्लाह से। बेगम ने बिस्किट की आंखें बना दी लकड़ी से और अपनी टोपी बना दी है। लोग आ गए वीडियो तस्वीरें बना रहे हैं। लोग आके बैठ रहे हैं, आके बैठ गए बस में, लोग भी आ रहे हैं और अपन सब गाड़ी की तरफ जाएंगे कार पार्क, वहाँ पे खाना गर्म करेंगे, खाना खाएंगे और फिर वापसी का सफ़र करेंगे। अभी तकरीबन कोई 2:30 बज गए, निकलते निकलते 3 बस से ऊपर तो हो ही जाएंगे। और बड़ा मज़ा आया सच बात बोलूँ, हाथ जो है ना सुन हो चुके हैं, पैर भी सुन हो चुके हैं। ब्लॉग बनाना रिकॉर्डिंग करना बड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन इट्स अ फन एज वेल। तो कार पर शटल सर्विस फ्री है यहाँ पे, आपको उसकी पे करने की ज़रूरत नहीं, जो $64 पे किए थे मैंने जो उसके थे गाड़ी के, उसके अलावा आपको और कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग आ गए भाई गाड़ी पे, खाना गर्म करने रख दिया है, पास्ता लेकर आए और बहुत ज़बरदस्त ठंड हो रही है। सामने आप चेक करो यार, थोड़ा सा विजिबिलिटी बेहतर हुई है, देख रहे हैं बर्फ। अभी खाना गर्म होगा से, खाने में है आज पास्ता, ठंडी बर्फ हो रही है इस वक्त, इसको थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने में, फिर उसके बाद जैसे ही गर्म होता है हम खाते हैं और फिर निकलते हैं। ओए होए 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 भाई, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, लगता है गर्म हो गया। ओए होए 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 होए, थोड़ा इसको चख लेते हैं सही से गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अभी और रखते हैं ठंडे। गर्म हुआ ही नहीं अभी भाई, अभी और टाइम लगेगा। सो कंफ्यूजन चल रही है कि गर्माइट की ठंड, गर्माइश की धुआं है या ठंड का धुआं है, ठंडा है अभी पता नहीं, अभी 2 मिनट और रखते हैं, 2-3 मिनट और रखते हैं उसके बाद देखेंगे। हवा तेज चल रही है, आज जो आग है वो भी उड़ रही है, चलो देखते हैं 2 मिनट के बाद खा लेंगे। वैसे मज़ा है, चूल्हा भी हमारा भीग गया है, गीला हो गया, ऊपर से पानी कतरे कर रहे हैं और यू लाइक इट और आई हैव इट फॉर टू वाटर ये भाई को ही पसंद आ गया हमारा आइडिया। तो भाई ये कह रहा था कि दादा के ऊपर ही बारिश हो रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे से खाना गरम VIP, वो जल्दी से गरम हो खाएं और फिर निकलें, बहुत ठंड हो रही है। दोबारा चेक कर लेते हैं सिखाने आ जाए। आई थिंक अब खा लेना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करते, बंद कर दो चूल्हा में, अब निकाल ही लेते हैं। हमने थोड़ा भाई को भी दे दिया। फ्रॉम वेयर यू आर? From where you are? Malaysia? Originally? Yeah. Originally Indonesia. Indonesia! Apa kabar? Baik. I've been here for 29 years. Wow, that's so amazing. I'm from Pakistan. Oh. Yeah. Waalaikumsalam. Hey, Michael. Oh, thank you. Thank you. It's okay. Enjoy. पहले हम लोग गाड़ी में आ गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओए होए होए होए, बहुत ही ज़बरदस्त। वाह, गर्म भी मुनासिब हो गया, बहुत ज़्यादा ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गर्म हुआ है, खाने के लायक है। हम लोग खाना फिनिश करते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। उम्मीद है आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।